प्रदेश में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 19 मई को मतदान होगा। इसी संदर्भ में एसडीएम कार्यालय ज्वालाजी में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। प्रशासन ने ज्वालामुखी में मतदान शत प्रतिशत करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 19 मई को डाले जाएंगे। इस बारे में एसडीएम कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि पिछली बार हुए लोकसभा चुनावों से ज्यादा प्रतिशतता अब की बार लोकसभा चुनावों में होनी चाहिए। ये कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा पहली बार चलाया जा रहा है। मतदान जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं और प्रशासन ने ज्वालामुखी में 12C में मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ज्वालामुखी विधानसभा के क्षेत्र में स्वीप के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचे, उसके लिए पूरी तरह से योजना बनाई जा रही है। एसडीएम ज्वालामुखी राकेश शर्मा ने बताया कि 19 मई को मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मतदान जो कि 19 मई को होना निश्चित हुआ है, मतदान की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए 12AC ज्वालामुखी में स्वीप के कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। मतदाता को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो हैं वो मतदान केंद्र पहुँचें। जो हमारे दिव्यांग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, भाई बहन, माताएं, उन सब के लिए विशेष प्रबंध जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक मतदाता जिसका मत पत्र बना हुआ है वो मतदान केंद्र तक पहुँचे और अपना मतदान करे। इस तरह से ये हमारा ये लक्ष्य है कि मतदान की प्रतिशतता जो है वो पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन से ज़्यादा हो।